लखनऊ में आज बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक, सीएम योगी बैठक में रहेंगे मौजूद। संघ की तरफ से समन्वय बैठक में होंगे दत्तात्रेय होसबोले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, रामलाल, सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। समन्वय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ संघ के सामने रख सकते हैं अहम मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक बेलगाम हो रहे सांसद, विधायक और भगवा ब्रिगेड के हालिय कारनामे का सीएम कर सकते हैं जिक्र। बीजेपी संघ की समन्वय बैठक में योगी सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार के तौर तरीके पर होगा जोर, संघ को सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी। यूपी में जून जुलाई में होने वाले हैं निकाय चुनाव, इसके लिए जरूरी माना जा रहा है योगी सरकार का कामकाज जनता तक पहुंचाया जाना। यूपी के सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, विकास खंड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों में बोर्ड पर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव के मोबाइल नंबर के साथ अहम सूचना लिखे जाने का भी निर्देश दिया। पंचायतों में लगाए जाने वाले बोर्ड पर दर्ज होगी योगी सरकार के कामों की सूची, योजनाओं का ब्यौरा भी होगा मौजूद। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर संत दंडी स्वामी को उनकी जमीन पर दिलाया कब्जा, दंडी स्वामी ने सीएम योगी से लगाई थी गुहार। यूपी के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री सौरभ शर्मा को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, जांच में धमकी वाला फोन नंबर डीएम का निकला। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, एग्जिट पोल में आपको 23 से 35 सीट मिलने के आसार। एमसीडी चुनाव में तीसरे नंबर पर रह सकती है कांग्रेस को 19 से 31 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को सबसे ज्यादा 43% वोट मिलने का अनुमान, तीनों एमसीडी में बरकरार रहेगी बादशाह। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के हिस्से 24% वोट, कांग्रेस को 23% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट, आशुतोष ने ईवीएम पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज पीएम मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात, राज्य में खराब होते हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन में बढ़ा तनाव, सूत्रों के मुताबिक विकल्प की तलाश में जुटी बीजेपी कर सकती है पीडीपी से किनारा, राज्यपाल शासन के लगाए जा रहे हैं कयास। नीति आयोग की बैठक में देश में बदलाव के लिए बना 15 साल का रोड मैप, प्रधानमंत्री ने मांगा मुख्यमंत्रियों का सहयोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उठाया राज्यों के बीच अमीरी गरीबी का मामला, कहा सुविधा संपन्न राज्य पिछड़े राज्यों के विकास में दें योगदान। कैप्टन सरकार के कद्दावर मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के किसानों को 24 लाख रुपए की निजी मदद दी, आग से फसल तबाह होने वाले किसानों में बटेगा पैसा। गायक सोनू निगम के कानों को फिर चुभी अजान की आवाज, सबूत के तौर पर पेश किया अजान का ऑडियो। एक्टर कमाल खान ने किया सोनू का बचाव, बोले अपनी फिल्म के सारे गाने सोनू से गवाऊंगा, सोनू ने कहा शुक्रिया। दिल्ली के रोहिणी में स्वराज इंडिया के एमसीडी प्रत्याशी संजय सिंघल पर हमला, कांग्रेस उम्मीदवार सूरज सिंह सैनी और उनके समर्थकों पर आरोप। गोंडा में मनकापुर थाने के दारोगा ब्रिजभूषण यादव का डांसर के साथ वीडियो वायरल, एसपी ने दारोगा को किया लाइन हाजिर। रेडी और प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों के लेखक इकराम अख्तर हिरासत में, मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने पकड़ा, यूपी पुलिस कस्टडी लेने पहुंची। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में थाने के अंदर दबंगों की मारपीट, दूसरे गुट के लोगों पर तानी पिस्टल। पंजाब के लुधियाना में एक तस्कर ने पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर दूर तक घसीटा, बाद में गिराकर हुए फरार। फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के कटिहार में शराब के नशे में दुध स्कूल का हेडमास्टर हुआ गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का इनामी एरिया कमांडर रियाज लातेहार में 2 लाख रुपए का था इनाम। नासिक में मुर्गी के बाड़े से घुसा तेंदुआ कब्जे में आया, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ा। नोएडा की केपटाउन सोसाइटी में बिल्डर के बाउंसर्स ने एक फ्लैट मालिक को पीटा, 3 दिन से पानी नहीं आने पर की थी शिकायत। पुलिस ने बाउंसर और बिल्डर की शिकायत करने पहुंची पीड़ित को ही हिरासत में लिया, दबाव डालकर कराया समझौता। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बाइक चोरी कर भाग रहे दो चोरों को बाइक मालिक ने दबोचा, खूब पिटाई हुई, इस बीच एक चोर भाग निकला। बिहार के पटना में एक बेटी पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा, अवैध संबंधों में उलझी गुत्थी।